सहमका पर पार्लियामेंट में हुआ बड़ा बवाल, दहल गए पश्चिमी देश। भारत ने अचानक लिए ताबड़तोड़ फैसले, सजदे में झुका ब्रिटेन। एम का जेट के लिए भारत के मास्टर स्ट्रोक ने लगाई दुनिया में आग। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ऐसे में जिस कंट्री के पास जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, युद्ध में उसका पलड़ा उतना ही ज्यादा भारी होगा। यदि खुद को मजबूत रखना है तो अपनी खुद की ताकत को लगातार एडवांस बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, इस मामले में आज की डेट में सबसे अत्याधुनिक हथियार होता है वायुसेना का फाइटर जेट। आज की डेट में दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इस वक्त दोस्तों अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, तो वही रूस के पास सुखोई Su-57 और चाइना के पास माइटी ड्रैगन मौजूद है। लेकिन भारत के पास ये तकनीक फिलहाल मौजूद नहीं है। भारत इसे लगातार डेवलप करने में लगा है, जिसे भारत ने नाम दिया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी एम का। और दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के डीआरडीओ ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में प्रपोजल भेजा है, तो वहीं दूसरा अपडेट ये है कि यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को इसके इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रजामंदी दे दी है और बाकायदा यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का अप्रूवल भी ले लिया है। और दोस्तों, इसी के साथ एमका पर आई इस खबर ने दुनिया को हिला करके रख दिया है, क्योंकि जो ब्रिटेन अब तक अकड़ दिखा रहा था वो अचानक कैसे झुक गया। भारत के किस मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया में अब आग लगा दी है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आखिर एमका में ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जिसके लिए मोदी सरकार ने पूरी सरकार को ही सिर पर उठा लिया है। तो दोस्तों, हथियार और हथियारों की होड़ में बढ़ता भारत पूरी दुनिया को डरा रहा है। अब हम कहें कि दुनिया को औकात दिखा रहा है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की दौड़ में पांचवी पीढ़ी तक भारत की पहुंच अब हो चुकी है, यानी कि स्टेल तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज हो चुकी है। दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि मैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका की बात कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और रूस के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, चीन भी इस तकनीक का दावा करता है। तो वहीं दोस्तों, अब इसको लेकर के भारत भी मजबूत दावेदारी पेश करने को तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने इस मिशन की शुरुआत की थी तो ब्रिटेन जैसे मुल्क भारत पर हंस रहे थे, और आज भारत ने इन सभी देशों का मुंह बंद करके रख दिया है। ये देश इसलिए भी हंस रहे थे क्योंकि आज तक बहुत सारे देशों ने इस टेक्नोलॉजी से लड़ाकू विमान बनाने चाहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे में ये सोच रहे थे कि भारत जैसा डेवलपिंग नेशन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब यही भारत इसको संभव दिखाई दे रहा है। अब एम का आधुनिक भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोदी के किस फैसले ने फिलहाल इन देशों में आग लगा दी है। आखिर अचानक एमका पर ऐसा क्या हो गया जो पार्लियामेंट में आग लग चुकी है, और भारत के एक फैसले ने कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत के सामने ब्रिटेन जैसा मुल्क सिर झुका करके खड़ा हो चुका है। और दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और फ्रांस को उसकी औकात दिखा के रख दी है। तो दोस्तों, चलिए इस मामले को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का एम का प्रोजेक्ट अब तक के सभी फाइटर जेट्स के मुकाबले बहुत ही एडवांस होने वाला है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट्स होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि ये फाइटर जेट्स रडार की पकड़ में नहीं आते। इनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन की हुई होती है, ऐसे खास मटेरियल से ये डेवलप की हुई होती है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को अपने अंदर ही सोख लेती हैं। यानी रडार की तरंगे वापस लौट ही नहीं पाती, जिससे दुश्मन के रडार को कुछ भी नहीं दिख पाता है। इस तरह के हथियार मौत का दूसरा नाम होते हैं। भारत का ये अनोखा फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइलों पर सिंगल स्ट्राइक क्षमता समेत क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की क्षमता भी ये रख पाएगा। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें ऐसे रडार्स, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इलेक्ट्रिक सेंसर शूट और सेंसर डेटा फ्यूजन भी मौजूद होंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि भारत का ये फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक दुनिया के सामने आ सकता है। दोस्तों, इन विमानों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त ये सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करते हैं और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होते हैं।
दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी इस वक्त कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को लगातार मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की पूरी कोशिश है कि देश के फाइटर जेट एमका का निर्माण मेक इन इंडिया मिशन के तहत ही किया जाए। इस लड़ाकू विमान की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इसकी अटकलें तेज हो गई हैं कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। जो इंजन भारत को चाहिए वो बहुत ही उम्दा होना चाहिए, लेकिन उसके रिसर्च और उसे बनाने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, लिहाजा मोदी सरकार ने इसे बुलेट रफ्तार से बनाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद लेने का फैसला किया है। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए, लेकिन अब भारत के साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया का दिल धड़का रहा है। दोस्तों, भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी इंटरेस्टेड है और उसने भारत को ये ऑफर दिया है, जिससे फ्रांस और अमेरिका भी हिल चुके हैं। दोस्तों, भारत के पास एमका के इंजन के लिए दो बड़े ऑफर आए हैं। पहला ऑफर आया है रॉयल्स रॉयस की तरफ से। उसने कहा है कि अगर भारत चाहे तो उसके साथ मिलकर के 110 किलोग्राम न्यूटन ग्लास के इंजन को बना सकते हैं। इसका निर्माण भारत में ही होगा और सबसे बड़ी बात कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे, यानी कि ये कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बना करके देगी जो आज तक किसी के पास भी नहीं है, और इस इंजन की टेक्नोलॉजी भी बिना भारत की अनुमति के कोई भी नहीं ले पाएगा। दूसरा ऑफर दोस्तों ब्रिटेन की ही BAE सिस्टम्स ने दिया है, जिन्होंने भारत को कहा है कि भारत चाहे तो उनके प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से ही मिले हुए हैं। इस प्रोग्राम में 6th जनरेशन का अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये इंजन और इसका फाइटर जेट 2035 में बनकर के तैयार हो जाएगा और बताया जा रहा है कि इसके टक्कर का ना तो कोई इंजन होगा और ना ही कोई फाइटर जेट। लेकिन दोस्तों, यहां बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास नहीं रहेंगे। तो वही दोस्तों, लग्जरी कार और एरो इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी रॉयल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत ना केवल न्यू फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए उतर चुकी है, बल्कि इस इंजन के लिए वो इंडिया को अपना टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना चाहती है। बड़ी बात यह है कि इंजन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत का ही रहेगा। रॉयल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए उसे UK गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूवल भी मिल चुका है। वहीं दोस्तों, US बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अमेरिकन सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो भी भारत के MCA प्रोग्राम के लिए एक कॉम्बैट इंजन की जॉइंट डेवलपमेंट को फंडिंग करना चाहती है। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के मेजर डिफेंस प्लेयर्स भारत के इंजन के लिए मारकाट मचा रहे हैं। ये दोनों ही ऑफर बता रहे हैं कि भारत के पीछे कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। और दोस्तों, इस मामले में आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत को कौन सा ऑफर लेना चाहिए। दोस्तों, एमका को लेकर के एक और बड़ी बात सामने आई है, और वो आई है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से, जिसने वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स की खरीद में देरी के लिए फटकार लगाई है, और इसके बाद इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी आ चुकी है। HAL, ADA और DRDO के चीफ के साथ ही अब PMO की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया कि तेजस मार्क 2 और एमका की टाइमलाइन के साथ में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, इसके सारे काम वक्त पर निपटने होंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने तेजस मार्क 2 के लिए 2500 करोड़ की फंडिंग दी थी और 6500 करोड़ की फंडिंग अभी रिलीज कर दी है, यानी कुल मिलाकर के इस प्रोजेक्ट के लिए 9000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। भारत के एमका प्रोजेक्ट का कुल खर्च 15000 करोड़ रुपए आने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो 2025 या फिर 2026 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। दोस्तों, एक बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच कंपनी सेफरन भी इस मामले में भारत के साथ जुड़ी हुई है। वो भारत के कावेरी इंजन के नए डेवलपमेंट के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी तकनीक के ट्रांसफर में पीछे हटती रही। तो वहीं दोस्तों, भारत ने अमेरिका से भी बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी, जो पांव अपने पीछे हटाता जा रहा था, और ब्रिटेन का हाल भी कुछ ऐसा था। लेकिन अब दोस्तों, ये तीनों ही मुल्क मिलकर के भारत के साथ में समझौता करना चाहते हैं, और भारत भी इस वक्त बड़ा स्टेप ले चुका है। तो दोस्तों, एमका के आने से भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा, और भारत को इस वक्त कौन से देश का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, कमेंट लिखकर के आप जरूर बताएं। धन्यवाद।